हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बूमिंग शेयर स्टॉक में और एक नए फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करने वाले 11 रुपए के ऐसे शेयर के बारे में जिसकी चर्चा मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और लाइमलाइट का हिस्सा बना हुआ। तो आप लोग का काफ़ी कमेंट आने के बाद हमने और हमारी टीम ने रिसर्च करने के बाद ये सारी जानकारी आप तक लाने का प्रयास किया, क्योंकि ये शेयर ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया 5 सालों के अंदर। जी हाँ, काफ़ी अच्छी खासी तगड़ी रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी का नाम और कैसे इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की रिजर्व की बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, कंपनी सेल्स में है कर रही है नहीं कर रही है, एक्सपेंसेस को देखेंगे और रिटर्न के मामले में सच में रिटर्न दिया है सिर्फ हवा हवाई बातें हो रही है। तो चलिए ए टू जेड क्लियर करके हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं और शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से जुड़े हर छोटे मोटे अपडेट की जानकारी रेगुलर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम या ऐसे ही शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के हर छोटे मोटे अपडेट की जानकारी रेगुलर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं, उस कंपनी की फुल एनालिसिस करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 321 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 11.60 रुपये पर ट्रेड करते ही नजर आ रही है और इसकी हाई 21.40 रुपये है, लो इसकी 8.10 रुपये। स्टॉक पी की बात करें तो 17.50 रुपये है, बुक वैल्यू इसकी 1.90 रुपये है। जी हाँ, अगर हम डिविडेंड को देखते हैं तो ये अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है, 0.57% का डिविडेंड देती है। आर ओ सी पे नजर आए तो 29.2% की, आर ओ ई पे नजर डाले तो 38.5% की। दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया। जी हाँ, 1 रुपया। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का सेल्स 193.53 करोड़ की सेल्स कर रही थी और अभी 297.67 करोड़ की सेल्स कर रही है। और एक्सपेंसेस कंपनी का 292.19 करोड़ की एक्सपेंसेस है कंपनी का। जी हाँ, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 5.26 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट 3.86 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। जी हाँ, अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस, तो इस कंपनी का जो सेल्स स्टार्ट हुआ था 2011 में 6 करोड़ की स्टार्ट हुई थी और अभी जो सेल्स कर रही है 1,232 करोड़ की सेल्स कर रही है और एक्सपेंसेस कंपनी का 1,206 करोड़ की एक्सपेंसेस है कंपनी का। जी हाँ, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 22 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट 18 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा। अगर हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 91% की है और अगर 5 ईयर का देखें तो 49% की। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 138% है। जी हाँ, 128% और 5 ईयर में 71% की है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 1 ईयर में 10% है और 3 ईयर में 44% की है और 5 ईयर में 81% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर डालें तो लास्ट ईयर 39% है और 3 ईयर में 37% की है और 5 ईयर में 30% की है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल, जी हाँ, इक्विटी कैपिटल इस कंपनी का मार्च 2011 में इस कंपनी का इक्विटी कैपिटल 2 था और वही अभी देखा जाए तो 28 की है इक्विटी कैपिटल। रिजर्व देखें तो कंपनी का 25 करोड़ का रिजर्व है, वही उधार की बात करें तो 97 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार है और लायबिलिटीज 28 करोड़ की लायबिलिटीज है और एसेट कंपनी के पास, जी हाँ, 144 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी के पास एसेट तो काफ़ी अच्छी खासी एसेट है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास, जी हाँ, प्रमोटर के पास 65.27% की शेयर होल्डिंग है और FII के 0.04% की शेयर होल्डिंग है और बाकी बची हुई पब्लिक के पास है 34.70% की। तो देखा जाए तो प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, तो जी कंपनी के पास काफ़ी अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग है। जी हाँ, तो दोस्तों हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम राजनंदिनी मेटल लिमिटेड है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा जाए तो कंपनी का सेल्स तो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जी हाँ, कंपनी का रिजर्व थोड़ी सी कम है लेकिन उधार थोड़ी 97 करोड़ का उधार है और कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जी हाँ, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और कंपनी नेट प्रॉफिट भी 18 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। चलिए एक बार चैट पर नजर डालते हैं फिर आपको हम बताते हैं। तो
दोस्तों मैंने चैट ओपन कर लिया और वनडे में इन्होंने अपने निवेशकों को, जी हाँ, वनडे में 2.19% का प्रॉफिट देखने को मिला है। जी हाँ, अगर हम 5 डेज का देखें तो 5 डेज में निवेशकों को लॉस हुआ है, 1.69% का लॉस हुआ है। अगर हम 1 मंथ के देखें तो 1 मंथ में निवेशकों को लॉस हुआ है, 9.69% का लॉस हुआ है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में निवेशकों को प्रॉफिट हुआ, 14.78% का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर में निवेशकों को 10.95% का प्रॉफिट देखने को मिला है, जो एक साल करीब ये 8 दिसंबर 2023 में 8.91 रुपये पे ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी। अगर हम 5 ईयर में देखें तो 5 ईयर में क्या जबरदस्त तरीके से निवेशकों को प्रॉफिट दिया, जी हाँ, 344.66% का अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। जी हाँ, जो ये शेयर कभी अगस्त 2022 में ये शेयर 32.19 रुपये पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन काफ़ी गिरने के बाद, जी हाँ, ये आपको 8.09 रुपये पर भी ये ट्रेड चली गई थी, लेकिन अभी 11.65 रुपये पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तभी ये शेयर की चर्चा मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 5 सालों में काफ़ी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और अपने निवेशकों को काफ़ी तगड़ा रिटर्न दिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। और ये जो मैं वीडियो बनाया ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन शेयर लेने के लिए ना बेचेंगे दोस्तों, हम कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइजर नहीं है। तो अगर निवेश करते हैं तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर लेना दोस्तों। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।